जेंगो के प्रोजेक्ट में ई कॉमर्स में हम लोग हैं, और हम लोगों को अभी इम्पॉर्टेंट है लॉगिन का सिस्टम बनाना ताकि हम लोग ऐड टू कार्ट पे फीचर कर सकें। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि फटाफट सबसे पहले तो पेजेस बना लेते हैं। तो जैसे ई कॉम है और इसमें टैम्पलेट है, टैम्पलेट के अंदर पब्लिक पैनल है, और यहाँ पब्लिक पैनल में दो पेज, एक लॉगिन करने के लिए लॉगिन डॉट एच टी एम एल, और यहाँ पर बेसिक जो होम पेज में एक्सटेंशन है वही डालना है। तो हम कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि कुछ चीज़ें ऐड हो जाएँ, जैसे ये वाला सेक्शन पब्लिक स्लाइड बार, और ये पूरा का पूरा एरिया नहीं चाहिए। हम लोग कंटेंट को मतलब खाली कर देते हैं। तुम देख सकते हो उतना ही सा हम लिए हैं, बस फ्लिक्स जेंगो को एच टी एम एल में कन्वर्ट करते हैं, फ्लिक्स फ्लिक्स डैश वन, और उसके बाद हम लोग यहाँ पर रेस्ट वॉक करेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे हम लोग डब्ल्यू डैश 4x12, और बीच में लाने के लिए जस्टिफाई सेंटर आइटम सेंटर, और इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक फॉर्म टैग बनाएंगे जिसका मेथड पोस्ट होगा, और इसके अंदर में सी एस आर एफ टोकन इस तरीके से, और जो फॉर्म होगा वो यहाँ पे आएगा। और क्रिस्पी सेटअप किए हैं कि नहीं, तो वो क्रिस्पी सेटअप को यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है। यानी मोटे मोटे तौर पे लॉगिन का कंसेप्ट यहाँ पे लगाना है। मार्जिन बॉटम 3, और यहाँ पे एक इनपुट टाइप सबमिट, और उसके बाद क्लास नेम बीजी डैश टिल या ऑरेंज कलर का कर देते हैं, ऑरेंज 600, टेक्स डैश वाइट PX3 अब PY2 और राउंड डब्ल्यू डैश फुल, ठीक है। तो ये है हम लोग का फॉर्म बेसिकली, और इस फॉर्म को बनाएंगे हम लोग व्यू डॉट पाई में। इसका लॉजिक तो व्यू डॉट पाई जहाँ पे है शॉप के अंदर है, यहाँ पे आ गए, और यहाँ पे बाकी जैसे होम के इसके अंदर सब कुछ चला रहे हैं, वैसे एक और फंक्शन लगेगा डिफ लॉग इन और आर रिक्वेस्ट, आर मतलब रिक्वेस्ट भी कर सकते हैं, सिंपल है। अब इसमें हम लोग एक फॉर्म को बुलाएंगे, तो फॉर्म आएगा ऑथेंटिकेशन फॉर्म, ये इंपोर्ट होता है बेसिकली फ्रॉम जेंगो डॉट कंट्रीब्यूट डॉट ऑथ डॉट फॉर्म इम्पोर्ट, और यहाँ पे यूज़र क्रिएशन फॉर्म भी चाहिए और ऑथेंटिकेशन फॉर्म भी चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को कुछ और भी चीज़ें इम्पोर्ट करनी होती है ऑथेंटिकेशन से, जैसे कि फ्रॉम जेंगो डॉट ऑट इम्पोर्ट ऑथेंटिकेशन करने के लिए ऑथेंटिकेशन, लॉगिन करने के लिए लॉगिन, लॉग आउट करने के लिए लॉग आउट। ये सब फंक्शन हम लोगों के पास पहले से ही है, हम लोगों को बस इम्पोर्ट करना है। हम लोग अपने फंक्शन में यहाँ पे आते हैं, ऑथेंटिकेशन फॉर्म के साथ काम करते हैं और लॉगिन को पूरा करते हैं। तो ऑथेंटिकेशन फॉर्म और यहाँ पर आर डॉट पोस्ट और नन, ये देखो फॉर्म तैयार हो गया। ये इसके बाद इफ़ अगर आप जो रिक्वेस्ट लेकर आ रहे हो उसका मेथड पोस्ट मेथड है, मेथड डबल इक्वल टू पोस्ट, अगर आप पोस्ट से मेथड को डाल रहे हो तो फिर आप यूज़र नेम और पासवर्ड अलग अलग कर दो। आर डॉट पोस्ट आर डॉट पोस्ट डॉट गेट भी लगा सकते हो, जैसे आप जानते हो ये बड़ी ब्रैकेट तब नहीं लगेगा, आर डॉट पोस्ट डॉट गेट ऐसे छोटी ब्रैकेट डॉट गेट, देखो तो ये यूज़र नेम और पासवर्ड अलग अलग कर दिया, लॉगिन करने का फॉर्म से निकाल लिया बाहर, और उसके बाद उस यूज़र को ऑथेंटिकेट कर दिया, यानी लॉगिन है यूज़र आईडी में है कि नहीं है। अगर यूज़र मॉडल में होगा, नहीं होगा तो ये काम करेगा इज़ नॉट नन, लॉगिन हो जाएगा, ठीक है। और देखो ये वाला फंक्शन का नाम लॉगिन है, इस वाले फंक्शन का भी नाम लॉगिन है, तो थोड़ा सा इसको चेंज कर दो, इसका नाम ऑथ लॉगिन कर देते हैं, नहीं तो क्या होगा दोनों का नाम सेम होने से कन्फ्यूज़न होगा, रिकर्शन जैसा काम करने लगेगा। तो हम लोग इसको बचाएंगे, और ये होम पेज पे जा रहा है इसलिए जो होम लिखा हुआ है बड़ा ध्यान से, ऊपर में फंक्शन का नाम होम है तो यही होम लिख दिया। और अगर मान लो कि लॉगिन का स्थिति सही रहा तो क्या करना है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे डाटा नाम का एक वेरिएबल रख लेते हैं और वो एक ब्लैंक डाल देते हैं, उसके बाद डाटा में फॉर्म डाल देते हैं, और उसके जस्ट बाद हम लोग यहाँ पे से रेंडर रिटर्न कर देंगे जिसमें आर लिख देंगे। पब्लिक के अंदर में जो लॉगिन पेज है
पब्लिक पैनल के अंदर में वो काम करेगा और डाटा पास कर देगा। एग्जैक्ट सही है एकदम आराम से। लॉजिकली हम लोग फंक्शन एक और बनाएंगे रजिस्टर करने के लिए, तो ऑथ रजिस्टर, ठीक है, दोनों के आगे ऑथ लगा हुआ है। इसके बाद हम लोग यहाँ पे आर यानी रिक्वेस्ट पास कर देंगे। फिर से यहाँ से फॉर्म चाहिए, ऑफ कोर्स यूज़र क्रिएशन फॉर्म, यूज़र क्रिएशन फॉर्म पोस्ट और नन, एकदम सही है। क्या मेथड पोस्ट है? अगर ऐसा है तो वैलिडेट करो और सेव करो, रिडायरेक्ट करो, और नहीं तो डाटा डालो, फॉर्म पास करो और पब्लिक के अंदर रजिस्टर, ख़त्म हो गया बात। तो ये वाला जो फंक्शन है ये क्रिएट करेगा नया अकाउंट, और ये वाला फंक्शन लॉगिन करेगा। चलिए तो ये दोनों चीज़ यहाँ पे बनने के बाद एक लॉगआउट का भी काम कर ही के जाते हैं, तीनों फंक्शन हो जाएगा। तो डिफ और उसके बाद लिखते हैं लॉगआउट, साइन आउट कर दो क्योंकि लॉगआउट नाम का फंक्शन पहले से होता है। तो आप ऐसे कर देते हैं ऑथ अंडरस्कोर लॉगआउट, पैटर्न वही सेम सब कुछ। अब आराम से लॉगआउट फंक्शन चूँकि ऊपर बना हुआ है, इंपोर्ट करना है, रिक्वेस्ट पास कर दीजिए और उसके बाद रिटर्न कर रिडायरेक्ट कर दीजिए। कहाँ भेजना है? लॉगिन में भेजना है। तो ऑथ लॉगिन, लॉगआउट होने के बाद कहाँ जाएगा? लॉगिन में जाएगा, ठीक है, काम ख़त्म। तो ये आपका स्थिति है जिससे आप आराम से तीनों फंक्शन बना दिए। अब इसको तीनों को अलग अलग जगह यूज़ करना है। जैसे आप यहाँ पर फॉर्म पास कर रहे हो तो CSRF टोकन वगैरह भी चाहिए आपको। एडमिन पैनल में हम लोग ऐड टू कार्ट में ये सब चीज़ फ़िल्टर लगाए थे, राइट, तो हम लोग कॉपी करेंगे और उसके बाद यहाँ पर लॉगिन में इस जगह पे भी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पर क्रिस्पी ऐड कर देंगे, CRISPY, क्रिस्पी। अभी लॉगिन का फॉर्म का URL चाहिए, सबको पता है कि URL के बिना तो काम होना नहीं है, तो यहाँ पर हम लोग URL ऐड करेंगे। कैसे ऐड करेंगे वो देखिए, ये वाला सेक्शन में हम लोग कर रहे हैं पब्लिक के लिए, यहाँ कर रहे हैं एडमिन, और यूज़र का होगा तो यहाँ करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग पाथ लगाएंगे और लिखेंगे /auth/login, कुछ भी URL हो सकता है, आगे ध्यान रखना स्लैश नहीं लगेगा, लास्ट में लगेगा, ठीक है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, लगा दोगे तो भी चलेगा। और आपका auth login नाम से फंक्शन है। आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ शॉप में ऑल को जब आप इम्पोर्ट किए हुए तो ये कोई दिक्कत नहीं आएगा, और यहाँ पे आप public.login नाम रख सकते हैं। ऐसे करके /register और यहाँ पे फंक्शन का नाम हो गया /authregister और इसका नाम हो गया public.register। और लॉग आउट करने के लिए नाम है auth logout, तीसरा URL, फंक्शन का नाम जब बनाए हम लोग उसका नाम auth logout और public.logout, ठीक है। तो मोटे मोटे तौर पर पता चला है कि यहाँ पर ये है, ठीक है। अब क्या है कि इस पेजेस को हम लोग लिंक करना होगा हेडर वेडर में ताकि क्लिक करके जा सके। तो इंक्लूड और उसके अंदर में देखो पब्लिक हेडर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर जहाँ पे कार्ड बटन और ये सब लगा हुआ है, ये ड्रॉपडाउन मेन्यू तुम देख पा रहे हो, ये वाला ड्रॉपडाउन मेन्यू जिसको क्लिक करके हम लोग फोटो पे क्लिक करके खोलते हैं, ये वो है। इस ये और ये दोनों मिला के एक ड्रॉपडाउन मेन्यू है, ठीक है। तो ये जो ड्रॉपडाउन मेन्यू है, सॉरी ये, हाँ ये जो ड्रॉपडाउन मेन्यू आप देख रहे हैं, इसको हम लोगों को किसी भी हाल में ऐसे लिखना है, %curly bracket if उसका request.user.isauthenticated और उसके बाद ये बंद हो जाएगा इस तरह से, else नहीं तो ये curly bracket end if। ये हो गया कि अगर लॉगिन होगा तो ये काम करेगा, नहीं तो ये काम करेगा। तो लॉगिन होने पर क्या काम करेगा, ये आएगा कौन सा, जो मेरा ड्रॉपडाउन मेन्यू है, और लॉगिन नहीं रहेगा तो उसी जगह पर हम लोगों का लिंक तैयार करना है, एक लॉगिन करने का लिंक और एक लॉगआउट करने का लिंक। तो मैं दिखाता हूँ तुमको, रिफ्रेश करते हैं पहले, देखो यहाँ पे public.signup नाम शायद है public.register, देखो public.signup लिख के आए थे या public.register लिख के आए थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग को public.register लिखना है और उसके वापस आएंगे और देखो रीसेट का तो लिंक है ही नहीं अपने पास, तो जो तीसरा लिंक है ये वाला रीसेट फॉरगेटेन पासवर्ड का, ये कुछ ज़्यादा ही बना दिया, इतना तो हमको चाहिए भी नहीं था, खैर चलो मिटा दिया, जो एक्स्ट्रा था उसको मिटा दिया। तुमको ऊपर में क्या दिख रहा है,
लॉग इन रजिस्टर, ठीक है। तो ये आया है ऐसे, लेकिन हमको चाहिए थोड़ा सा इसको डिज़ाइन में, देखते हैं इसका क्या पैटर्न है। ये बटन है, ये पूरा इफ़ का पार्ट है, ये उसका ड्रॉप डाउन मेन्यू का कंटेंट है, और ये ए टैग है। हमको ये ए टैग चाहिए इस तरह से, यू एल टैग के अंदर, शायद इससे काम हो जाएगा। खैर, हम इस यू एल टैग में कार्ट लगा हुआ है तो हम इसको हटा भी सकते हैं, देखो। और ये तुम एंडिंग टैग भी देख रहे हो इसका, तुम पूरा का पूरा एरिया हटा देते हैं, ठीक है। और ये ऐसे अरेंज कैसे करेंगे वो सोचते हैं, पहले ये देख लो लिंक आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आ रहा है ऑफकोर्स। तो ये लॉगिन है, ये साइन अप है। तो हम लोग को दोनों को अच्छे से अरेंज करना अगर है तो एक है ना पूरा एक प्लेटफॉर्म ही तैयार कर लेते हैं ताकि बहुत सारा लिंक काम करे। तो इसके लिए प्लेटफॉर्म तैयार कर लेते हैं, या छोड़ो बाद में कर लेंगे, डिज़ाइन का पार्ट है। तो लॉगिन पे क्लिक करने से लॉगिन का फॉर्म खुला, और साइनअप पे क्लिक करने से कुछ भी नहीं क्योंकि साइनअप का पेज बना ही नहीं। तो लॉगिन के पेज पे क्लिक किया तो देखो ये यहाँ पर बन गया। अब हम इसे लॉगिन करवाएंगे, लेकिन एक और मुद्दा है यहाँ पर, वो ये है कि हम लोग जब लॉगिन करा रहे हैं तो उससे पहले साइनअप होना ज़रूरी है। तो जैसे हम लोग के पास ये वाला लॉगिन का पेज है, वैसे हम लोग के पास रजिस्टर का पेज भी, register.html। तो लॉगिन और रजिस्टर में सिर्फ टाइटल का अंतर होगा और ज़्यादा तो डिटेल में अंतर नहीं है। तो हम लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं आराम से, और तुम देख सकते हो कि अब साइनअप का पेज है तो साइनअप का फॉर्म भी आ रहा है, क्योंकि हम लोग उसका पीछे का view.py में लॉजिक लिख चुके हैं। तो ये डिज़ाइन में सही करना पड़ेगा इसको, क्योंकि ये देखने में अजीब लग रहा है। तो हम लोग थोड़ा डिज़ाइन में सही करते हैं, मार्जिन टॉप लगाते हैं यहाँ पे, और ये ऊपर से लॉगिन का पेज में दिखाओ चेंज कर रहे हैं, ठीक है। ये पूरा फॉर्म का एरिया एक बॉर्डर पे लेते हैं, अब आगे क्या करना है यहाँ पे थोड़ा सा बॉर्डर, थोड़ा पैडिंग P10 राउंडेड थोड़ा सा, तो ये से बॉर्डर थोड़ा सा आ जाएगा, देखो आ रहा है। इसके अंदर में फॉर्म डाल देंगे, फॉर्म सिर्फ कट किए हुए थे हम, पेस्ट कर दिए, देखो ये इस तरह से एरिया बन गया एक तो छोटा सा। और इसमें यहाँ पर एक फ्लिक्स डैश वन, और यहाँ पे S2 लॉग इन हेयर, ठीक है, ये मैसेज के लिए। और लॉग इन हेयर को थोड़ा सा टेक्स्ट में मार्जिन Y3 टेक्स्ट डैश XL इस तरह का, ठीक है। तो लॉग इन हेयर और बॉर्डर बॉटम बॉर्डर डैश B, ये बॉर्डर बॉटम में आ गया, देखो आ रहा है। और W डैश फुल, जैसे विथ फुल यहाँ तक आ गया, ठीक है। PB यानी पैडिंग बॉटम, इससे थोड़ा सा थोड़ा दूरी में नज़र आएगा, और काम हो गया। तो ये देखने में अब थोड़ा सा पहले से ठीक है। अब इसी तरीके का हमको कंसेप्ट, यानी यहाँ से यहाँ तक का कंसेप्ट लगभग सेम है, तो रजिस्टर में चाहिए। तो रजिस्टर में पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे मार्जिन बॉटम 10, जो कि वहाँ लिखा था हम, फॉर्म के पहले ये और फॉर्म के बाद इसका एंडिंग, एंडिंग डिव लगा दिया, एंड हो गया। अब फॉर्म वाला पेज देखते हैं, यानी साइनअप का पेज। तो तुम देख पा रहे हो यहाँ पर लॉग इन हेयर लिखा हुआ है, इसके जगह पर लिख देंगे क्रिएट एन अकाउंट, क्रिएट एन अकाउंट हो गया। और उसके बाद है ना नीचे, अगर आपके पास ऑलरेडी अकाउंट है तो उसके लिए लिंक लगाना, या फॉरगेटेड पासवर्ड का लिंक लगाना, ये सब भी कर सकते हैं। बट हम चूँकि मेरा फोकस अभी ऐड टू कार्ट की तरफ है, इसलिए हम इसको सिर्फ काम के लायक बना देंगे। अब हम इसमें डेटा बनाते हैं, सादिक 123, और ये पासवर्ड मैं ट्राई कर रहा हूँ, देखो पासवर्ड फील्ड नॉट मैच, ठीक है। तो कोई पासवर्ड सोचना पड़ेगा, स्ट्रॉन्ग पासवर्ड लेता है, इसलिए ध्यान रखिएगा पासवर्ड स्ट्रॉन्ग ही हो। तो देखिए ये हम लॉगिन के लिए एक यूज़र आईडी पासवर्ड डाला है, और लॉगिन ट्राई करते हैं, तो देखिए लॉगिन भी हो गया, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि लॉगिन पॉसिबल हो गया, इसलिए यहाँ से क्या गायब हो गया, लॉगिन और रजिस्टर का लिंक गायब हो गया है। अब हम लोग है ना, जब लॉगिन है उसमें क्या दिखाना है वो चीज़ देख लो। लॉगिन अगर है तो ये इमेज तो दिखा ही रहा, इमेज के बगल में एक स्पैन बनाएंगे, और उस स्पैन के अंदर में यहाँ HTML कर लो इसको, ताकि इमेज वगैरह काम कर सके।
स्पैन बनाएंगे और स्पैन के अंदर में डबल कोट्स का इस्तेमाल करके रिक्वेस्ट डॉट यूज़र डॉट और उसके बाद यूज़र नेम, जो भी यूज़र नेम हो वो तो डाला हुआ ही है। तो देखो वहाँ पे इसका साइज़ चौड़ा हो गया, ठीक है, जो इमेज का सेक्शन है तो उसमें देखो बी जी डस ग्रे लिखा हुआ है, तो ये हटा दो। अब देखो तो सादिक 123 ये यूज़र नेम था वो आ गया। अब यहाँ पे तुम आइटम सेंटर लिख दो ताकि वो जो ऊपर लिखा हुआ है वो थोड़ा बीच में आ जाए, और जो इमेज का यूआरएल है ये वाला ये इमेज अपने पास है ही नहीं तो हम इसको हटा देते हैं। देखो अब इस पर क्लिक करने से ये खुल रहा है और यही है यूज़र नेम, ठीक है। तो हाय मैसेज के तौर पे अगर चाहो तो लगा दो ऐसे, ठीक है ना, हाय। और इसके बाद अब इसमें दो तीन लिंक हमको एक्स्ट्रा ऐड करना है, जैसे लॉग आउट का लिंक, ठीक है। तो लॉग आउट का लिंक इसके डिव के बाद लगा देते हैं और लिख देते हैं इसमें लॉग आउट। लॉगिन हो चुका है तो पब्लिक डॉट लॉग आउट लिंक का नाम है, हम लोग बनाए थे, देखो लॉग आउट आ गया। और इसके जस्ट आगे में कार्ट का भी दिखाए, यानी कार्ट हो तो कार्ट एक्चुअल में इशू नहीं है, कार्ट तो हम बिना लॉगिन किए भी दिखा सकते हैं। तो हम इफ एल्स के बाहर आ जाते हैं तो हम दोनों स्थिति में दिखेगा, और कार्ट का पेज का भी लिंक तैयार नहीं है इसलिए इसको एज इट इज छोड़ देते हैं, ठीक है कार्ट। और जो बटन नीचे बना हुआ है ना इसको हटा देते हैं, इसका काम नहीं है। देखो तो कार्ट भी आ गया, बट कार्ट का डिज़ाइन थोड़ा सा बटन जैसा होना चाहिए। तो क्लास नेम और यहाँ पे टेक्स्ट डैश वाइट और बी जी डैश ऑरेंज डैश 600 PX3 PY2 और उसके बाद राउंडेड डैश LG, ठीक है। और इसमें कार्ट में लिखा हुआ है एक छोटा सा आइकन यहाँ पे, कितना कार्ट में डेटा है उसको गिनने के लिए हम यहाँ पर सुपर स्क्रिप्ट SUP यूज़ कर लेते हैं। और यहाँ पे डेटा छोटी ब्रैकेट में बताएगा कितना डेटा है, मान लो कार्ड में 4 डेटा तो वो ऐसा दिखाएगा। तो ये हो गया लॉगिन होने के पहले का बात, और देखो बिना लॉगिन हुए ऐसा दिखेगा, तो लॉगिन हो जाएगा तो ऐसा दिखेगा। तो मोटे मोटे तौर पे हम लोग लॉगिन लॉगआउट को कंप्लीट कर लिए। तो हम लोग ऐड टू कार्ड पे फीचर कर सकते हैं, यानी काम कर सकते हैं। तो चलिए ऐड टू कार्ड पे काम करने के लिए या उसको फीचर करने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी क्या चीज़ है, इसका मॉडल बनाना, ईकॉम उसका शॉप और उसके अंदर मॉडल। तो मॉडल जैसे कैटेगरी है, जैसे प्रोडक्ट है, वैसे और भी मॉडल्स होंगे, जैसे ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन स्टोर करने के लिए ऑर्डर होगा। तो हम लोग ना ऑर्डर का इन्फॉर्मेशन स्टोर कराने के लिए मॉडल्स बनाते हैं, और आप देखिए क्या क्या कॉलम हम रख रहे हैं और किन कॉलम का क्या काम है। तो बहुत डिटेल में समझते हैं, क्लास ऑर्डर नाम का एक मॉडल, तो मॉडल्स डॉट मॉडल, और इसके बाद हम लोग इस जगह पर ऑर्डर और ऑर्डर आइटम दोनों चीज़ डेटा के तौर पे लेंगे, ठीक है। तो पहले तो हम ऑर्डर आइटम ले लेते हैं, यानी कितना आइटम जो हम लोग स्टोर करेंगे ऑर्डर में वो, उसके लिए ऑर्डर आइटम। अब आ गया पहले ऑर्डर आइटम का इन्फॉर्मेशन, तो सबसे पहले तो यूज़र चाहिए ही चाहिए। अब यूज़र इंपोर्ट करना पड़ेगा हमको, क्योंकि यूज़र बना हुआ मॉडल होता है। तो जेंगो के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन में मिल जाएगा डॉट ऑथ डॉट मॉडल इम्पोर्ट यूज़र, ये आ गया। तो पहला रिलेशन कि कौन यूज़र है जिसने ऑर्डर में डाला है, और दूसरा है इन्फॉर्मेशन जिसमें हम लोग को एक चीज़ कंसेप्ट क्लियर कर देना है कि ऑर्डर हुआ या नहीं हुआ, यानी इसमें बुलियन इन्फॉर्मेशन होगा। अगर ऑर्डर हो चुका होगा तो ये वाला बाय डिफ़ॉल्ट अभी फॉल्स है, डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा, ठीक है। अगर मान लो उसने पेमेंट कर दिया और पैसा दे दिया तो यही ऑर्डर ट्रू हो जाएगा, इसका मतलब उसने पेमेंट कर दिया। उसके बाद तीसरा चीज़ जो होगा वो होगा आइटम। तो आइटम ये बताएगा कि कौन सा प्रोडक्ट को उसने कार्ट में ऐड किया है। तो फॉरेन की यहाँ पे काम करेगा, फॉरेन की ऑब्जेक्ट, और यहाँ पर प्रोडक्ट मॉडल को बुलाएगा जो कि ऊपर बना हुआ ही है, उसी को यूज़ कर रहे हैं हम। और अगर डिलीट हो रहा है तो कैस्केड हो जाएगा, मॉडल डॉट मॉडल्स डॉट कैस्केड, ये सब जानते हैं आप। इसके बाद क्वांटिटी QTY और ये मॉडल्स डॉट इंटीजर फील्ड होगा, यानी इसमें न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और इसका जो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होगा वो 1 होगा, यानी पहली बार जब डेटा डालेंगे तो क्वांटिटी 1 होगा, इसलिए हम डिफ़ॉल्ट वैल्यू दे दिया। अब उसके बाद div दो बार str, आप जानते ही हैं इसके बारे में।
इसमें हम कुछ नहीं करेंगे, रिटर्न करेंगे आइटम का नाम, तो हम लिखेंगे सेल्फ डॉट आइटम डॉट नेम, नेम है या टाइटल है देखना होगा, टाइटल प्रोडक्ट के अंदर टाइटल। तो आइटम मतलब ये, इसका मतलब कि हम किसको लिंक कर रहे हैं, प्रोडक्ट को, तो उसका कॉलम का नाम टाइटल। तो ऐसा करके एक्सेस कर लिए। अब आते हैं इसके अंदर ऑर्डर इन्फॉर्मेशन के लिए, तो ऑर्डर के लिए क्लास नया बनाते हैं और इसमें फिर से यूज़र इन्फॉर्मेशन देते हैं, ऑर्डर है हुआ कि नहीं हुआ, पेमेंट हुआ या नहीं हुआ, यहाँ भी चेक कर लेते हैं, दोनों जगह चेक हो जाएगा तो अच्छा रहेगा। बुलियन इन्फॉर्मेशन और डिफ़ॉल्ट वैल्यू फॉल्स, पेमेंट बाय डिफ़ॉल्ट फॉल्स रहेगा। उसके बाद ना कितना आइटम ऐड हुआ है उसके लिए, उसके साथ रिलेशन कर लेते हैं, और एक से ज़्यादा है इसलिए इसको हम बोलेंगे मैनी टू मैनी। तुम इसको फॉरेन किसी बन कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं, फॉरेन की ऑर्डर आइटम से कनेक्ट हो जाएगा ही। और इसमें डिलीट विलीट होने पर क्या होगा, तो ऑन डिलीट और साथ में डिलीट हो जाए तो उसके लिए मॉडल डॉट कैस्केड, सेम चीज़, ठीक है। इसके बाद हम लोग को ऑर्डर का डेट यानी किस दिन ऑर्डर हुआ है, ऑर्डर्ड डेट किस दिन ऑर्डर हुआ है उसका याद रखने के लिए मॉडल डॉट डेट टाइम, डेट के साथ टाइम भी चाहिए किस समय में हुआ था, डेट टाइम। और बाय डिफ़ॉल्ट शुरू में क्या होगा, ब्लैंक ट्रू होगा और ये नल ट्रू होगा, यानी नहीं डालेंगे तो कोई बात नहीं, ये खाली रहेगा। तो जब जब पेमेंट करेगा तब ये ऐड करेंगे, पेमेंट कर देंगे तो उसका टाइम और डेट उठा लेंगे। क्रिएटेड ऐड कब ये बना है, तो क्रिएटेड ऐड में क्या करेंगे, जिस टाइम में ये डेटा बन रहा होगा उसी टाइम में ऐड ऑटो ऑटो नाउ ऐड, ये वाला यूज़ कर सकते हैं। इसका मतलब जब हम क्रिएट करेंगे उसी टाइम का डेट उठा के इसमें स्टोर कर देगा, हमको स्टोर करना नहीं पड़ेगा। उसके बाद कूपन, कूपन मॉडल्स डॉट, अब कूपन का मसला क्या बताते हैं, कूपन तो अपने पास है नहीं अभी तक, तो कूपन का कोई टेबल बनाया नहीं, लेकिन बनाएंगे फर्दर, तो इससे अच्छा बना ही लेते हैं, रुको। क्लास कूपन ऊपर बना रहे हैं, ठीक है। अब कूपन जो है ना इन्फॉर्मेशन रखेगा कि किस तरह का कूपन आपके पास है, तो इसलिए हम इसको कूपन में दो चीज़ें डालेंगे, एक तो कूपन का कोड डालेंगे कि डिस्काउंट कितना और अमाउंट क्या होगा। तो अमाउंट कूपन का क्या होगा, वो मॉडल्स डॉट फ्लॉट, पॉइंट में वैल्यू हो सकता है इसलिए फ्लॉट, और डिफ़ॉल्ट वैल्यू की ज़रूरत अभी है नहीं। अब ये str और इसमें कोड को रिटर्न कर देंगे, चलो हो गया। तो अब यहाँ पे कूपन कोड डाल सकते हैं, तो कूपन कोड डालने के लिए सिर्फ लिखेंगे कूपन, एक ऑर्डर में कौन सा कूपन लगाया गया, अगर नहीं लगाया तो भी कोई दिक्कत नहीं, लगा दिया गया तो भी कोई दिक्कत नहीं, कि कूपन लगाने से डिस्काउंट होगा, नहीं लगाने से कुछ नहीं होगा। तो कूपन डॉट फॉरेन की कूपन, और ये नल ट्रू कर देंगे, ठीक है, ध्यान रखना ये नल, हाँ ये यहाँ पर नल ट्रू, ब्लैंक ट्रू, और उसके बाद ऑन डिलीट मॉडल्स डॉट कैस्केड, ठीक है। इसके बाद हम लोग को इसमें और भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, जैसे एड्रेस, कि जो ऑर्डर किया वो कहाँ जाएगा, मतलब किस एड्रेस पे जाएगा, तो उसके लिए एड्रेस बताना होगा। तो ये जो टारगेट मॉडल है, मॉडल्स डॉट, यहाँ पे गड़बड़ हो गया, थोड़ा ध्यान से, एड्रेस मॉडल फॉरेन की। अब एड्रेस का इन्फॉर्मेशन के लिए भी हमको एक क्लास चाहिए एड्रेस नाम से, ठीक है, मॉडल्स डॉट मॉडल, सभी तरह के कॉलम बनाने होंगे, किस यूज़र का एड्रेस है ये सही है। इसके अलावा आपको कुछ कुछ चीज़ें और रखनी होंगी, नाम क्या है उसका, मॉडल्स डॉट कैरेक्टर फील्ड, और जो कैरेक्टर फील्ड होता है उसका लेंथ बताना पड़ता है, ALT अल्टरनेटिव कॉन्टेक्ट नंबर, एक तो कॉन्टेक्ट नंबर उससे लेंगे, क्या कॉन्टेक्ट नंबर है वो बताइए, तो वो भी कैरेक्टर फील्ड डालते हैं। मैक्स लेंथ 200, बहुत बढ़िया। अब इसके बाद स्ट्रीट कहाँ पे, उसका मोहल्ले का नाम क्या है, इसका मतलब ये भी कैरेक्टर फील्ड होगा, और इसमें भी हम लोग कैर फील्ड्स, मैक्स लेंथ 200 दे देते हैं। इसी तरीके से लैंडमार्क क्या होगा, कहाँ पे सामान जाएगा, इसका ई कॉमर्स है तो सामान जाएगा ही, कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ 200। इसी तरीके से सिटी, स्टेट और पिन कोड, इसके बाद टाइप किस तरह का इसका एड्रेस है, दो तरह का एड्रेस होता है, ऑफिस का एड्रेस, घर का एड्रेस, तो हम लोग उसको टारगेट कर सकते हैं, तो उसमें ड्रॉप डाउन मेन्यू दे देंगे, ठीक है।
तो लिखेंगे कैरेक्टर फील्ड, देखो ड्रॉपडाउन मेन्यू कैसे देते हैं, नया चीज़ है, कैरेक्टर फील्ड मैक्स लेंथ मान लो 20, ठीक है। उसके बाद हम लोग इसको चॉइसेस बताएंगे, चॉइसेस, चॉइसेस में क्या होगा, ड्रॉपडाउन मेन्यू आ जाएगा, इसमें एक टपल बनाना होता है, टपल बनाए, टपल के अंदर टपल, और इसमें दो डेटा, एक तो वैल्यू, दूसरा पब्लिक को क्या दिखेगा, फिर कॉमा, फिर छोटा टपल, और फिर ऑफिस लिख देते हैं। तो दो बार लिखना है, एक बार नहीं, एक आता है पब्लिक के लिए, एक आता है डेटाबेस के लिए, ये देखो चॉइसेस। तो वो जब हम बनाएंगे ना तो ड्रॉपडाउन मेन्यू बन जाएगा इससे। अच्छा, इसके बाद हम लोग है ना यहाँ पर इस डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं, यानी कौन सा डिफ़ॉल्ट, जैसे मान लो दो तीन एड्रेस होता है ना अमेज़ॉन वगैरह में, तो आप डिफ़ॉल्ट कर सकते हैं। वैसे हम डिफ लगा के अभी इसको str कर देते हैं, ठीक है। तो str में जो है नाम है ये वाला उठ के इसको दिखा देगा। तो ये जो ऑर्डर इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे, इसमें यहाँ पे एड्रेस वाला मॉडल आएगा, रिलेशनशिप का नाम देने की ज़रूरत नहीं है इसमें। ऑन डिलीट होने पे क्या होगा, और ये शुरू में नल रहेगा, नल ट्रू ब्लैंक ट्रू, यानी शुरू में जब ऑर्डर बन रहा होता है उस टाइम एड्रेस नहीं रहता, बाद में एड्रेस डालते हैं, इसीलिए हो गया काम यहाँ पे ख़त्म। अब यहाँ पे ये है मामला कि इसका str क्या होगा। तो str में हम लोग यहाँ पे यूज़र डॉट नेम दिखा देते हैं विथ ऑर्डर आएगी, ठीक है। तो यूज़र नाम नेम आएगा और उसका ऑर्डर आईडी के साथ आएगा, चलो ठीक है, बढ़िया। अब इसमें एक पेमेंट इन्फॉर्मेशन का मामला भी है, तो उसको बाद में कर लेंगे, अभी फ़िलहाल हाँ। तो अपने ऑर्डर टेबल में पेमेंट इन्फॉर्मेशन भी आएगा, वो कॉलम बाद में ऐड कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इतना रख के माइग्रेशन करते हैं। देखो PHP एडिशन मेक माइग्रेशन, देखो कितना टेबल बनाए, 4, और उसके बाद माइग्रेट, सब बन के तैयार, ठीक है। और उसके बाद रन सर्वर वापस से। तो मॉडल्स बन के तैयार हैं, इस सारे मॉडल्स आपको एडमिन पैनल पे मिलेंगे, कोई इशू नहीं है। अब चलिए इस बात पे काम करते हैं कि जब हम ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर ऐड टू कार्ट कैसे होगा। तो ये तो एडमिन का व्यू सब है, हम लोग को जो बनाना है वो पब्लिक व्यू है मेरा। तो डिफ, अच्छा कोई भी फंक्शन चलाने से पहले अगर लॉगिन चाहिए, रिक्वायर्ड है, तो वहाँ पे एक छोटा सा कंसेप्ट कर सकते हो। वो इस कंसेप्ट ये है कि बिना लॉगिन हुए वो चले ही ना, तो उसके लिए ऐट द रेट लॉगिन रिक्वायर्ड लगाओगे, ऐट द रेट लॉगिन रिक्वायर्ड, और उसके बाद तुम यहाँ पे बताओगे कहाँ, अगर लॉगिन नहीं है तो कहाँ क्या करना है, ठीक है। तो उसके लिए आप यहाँ पे URL साइन कैसे इम्पोर्ट होगा, ये लॉगिन रिक्वायर्ड वो देखो, फ्रॉम, उसके बाद फ्रॉम जेंगो डैस कॉन्ट्रीब्यूशन, इस कॉन्ट्रीब्यूशन में पहले से कॉन्ट्रीब्यूट डॉट ऑथ डॉट डेकोरेटर, उसको जो एट द रेट लगा हुआ है ना उसको डेकोरेटर बोलते हैं, इम्पोर्ट लॉग इन रिक्वायर्ड, देखो आ गया। तो ये जो नीचे यहाँ पे हम लिखा है लॉग इन रिक्वायर्ड, इसका मतलब हुआ कि इस फंक्शन को, यानी जो नीचे बनाएंगे फंक्शन, उसको चलाने के लिए लॉग इन की ज़रूरत है। यानी ऐड टू कार्ट बिना लॉग इन किए हो सकता है क्या, नहीं ना। तो ऐड टू कार्ट ये फंक्शन का नाम, रिक्वेस्ट पास, और देखो बड़ा मज़ेदार। अब हम लोग यहाँ पे दूसरा पैरामीटर स्लग पास कर देंगे, यानी कि URL का प्रोडक्ट का स्लग पास कर देंगे, तो इससे पता चलेगा। चलिए अब क्या क्या करना है, सबसे पहला काम तो ये है कि प्रोडक्ट को निकाल लेते हैं उस ऑब्जेक्ट से। गेट एक शॉर्टकट है, फंक्शन का नाम है गेट ऑब्जेक्ट और 404, इसका मतलब ये हुआ कि ऑब्जेक्ट मिले तो लेते आओ, अन्य मिले तो 404 का एरर डाल दो। देखो स्लग इसका कॉलम से मैं, अब ये वाला फंक्शन देखो इम्पोर्ट है, तो इसको ऊपर इम्पोर्ट करेंगे वही शॉर्टकट से जहाँ पे रेंडर होता है वैसे, गेट ऑब्जेक्ट 404, देखो ये फंक्शन है। तो इस फंक्शन को यूज़ करने से क्या होगा फ़ायदा, कि अगर मिलेगा तो काम करेगा, नहीं मिलेगा तो 404 का सीधा एरर दे देगा, तो अलग से if else लगाने की ज़रूरत नहीं। इसके बाद हम लोग दूसरा काम ये करेंगे कि ऑर्डर आइटम और क्रिएट कब हुआ था, यानी या तो ऑर्डर आइटम होगा तो ऑर्डर आइटम लेके आएगा, क्रिएटेड में लेके आएगा अगर क्रिएट हुआ तो, यानी दोनों चीज़ें एक साथ कर सकते हैं। इसके लिए लिखना होता है ऑर्डर आइटम को इंपोर्ट करना होगा, ऑर्डर आइटम डॉट ऑब्जेक्ट डॉट गेट और क्रिएट, मतलब होगा तो ले लेगा, नहीं होगा तो क्रिएट कर देगा। तो एक ही लाइन में दोनों काम हो जाएगा कंडीशनली। यूज़र में क्या जाएगा, तो रिक्वेस्ट किया हुआ यूज़र, यानी REQ डॉट यूज़र, मतलब जो बंदा लॉगिन है उसका नाम। उसके बाद ऑर्डर
बाय डिफ़ॉल्ट क्या रहेगा, फॉल्स रहेगा, ये तो डिफ़ॉल्ट वहाँ लिखा हुआ भी है। और आइटम कौन होगा, तो आइटम मेरा प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट वेरिएबल ऊपर बना हुआ है ये वाला, तो ये मेरा आइटम है, हो गया। तो ऑर्डर आइटम बन के तैयार हो गया। अब ऑर्डर आइटम बन गया तो ऑर्डर भी बनाना पड़ेगा। तो ऑर्डर बनाने से पहले ऑर्डर को चेक कर लेते कि ऑर्डर है कि नहीं। क्यू एस का मतलब हो गया क्वेरी सेट, और हम लोग नाम कुछ भी रख सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर खोजो, किसको खोजो, तो यूज़र उसका मैच होना चाहिए किससे, जो बंदा लॉगिन है उससे, और उसका जो ऑर्डर कॉलम है जो अभी हम लिख के आए हैं वो फॉल्स होना चाहिए। इसके बाद अगर अगर ऑर्डर क्वेरी सेट, इफ़ ऑर्डर क्वेरी सेट, ठीक है, डॉट एग्जिस्ट, ये देखो अगर क्वेरी सेट एग्जिस्ट करता है तो उसमें, क्योंकि हम यहाँ पे लगाएं फ़िल्टर, तो फ़िल्टर में एक से ज़्यादा डेटा होता है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे लगाएं बड़ी ब्रैकेट ज़ीरो, यानी हमको पहला डेटा चाहिए और वो ऑर्डर में स्टोर कर लिए। फिर हम लोग चेक किए कि क्या ऑर्डर के अंदर जो आइटम्स है उसके अंदर जो डेटा है वो प्रोडक्ट के बराबर मैच कर रहा है। अगर ये मैच कर रहा है, इसका मतलब है कि अगर ये मैच कर रहा है, प्रोडक्ट के अंदर मैच कर रहा है, तो इसका मतलब है कि पहले से ही आइटम ऐड है, तो उसको खाली क्वांटिटी बढ़ा दो, क्यू टी वाई नाम रखे थे, क्यू टी वाई को बढ़ा दो और सेव कर दो। अगर नहीं है तो ऐड कर दो कंसेप्चुअली आइटम डॉट ऐड, और उसमें ऑर्डर आइटम को डाल दिया। एल्स नहीं तो ऑर्डर ही क्रिएट करना पड़ेगा और उसमें ऐड करना पड़ेगा, यानी पूरा का पूरा लॉजिक यहाँ पर कम्प्लीट, ठीक है। तो इस तरीके का लॉजिक हम लोग कंप्लीट करके होम पेज पे रिडायरेक्ट किए हैं, बट हमको कार्ट पेज में रिडायरेक्ट करना है, मतलब अभी तो होम पेज पे कर लेंगे, बाद में कार्ट पेज पे कर लेंगे। तो हो गया यहाँ पे काम खत्म। और ये सब में मैसेज उसे जनरेट करना चाहते हो तो कर सकते हो। तो ये जो ऐड टू कार्ट का फंक्शन है, इसमें दो बातें हुई, पहले प्रोडक्ट निकाल लिया, फिर प्रोडक्ट निकालने के बाद ऑर्डर आइटम बना लिया। ऑर्डर आइटम में चेक करने के लिए कि पहले से है कि नहीं है, यूज़र से चेक किया जो बंदा लॉगिन है वो, या फिर ऑर्डर फॉल्स होना चाहिए और वो प्रोडक्ट होना चाहिए जो प्रोडक्ट पे हम ऐड टू कार्ट कर रहे हैं। अगर वो है तो ये काम करेगा, और वो नहीं है तो क्रिएटेड वाला फंक्शन बताएगा। इसका मतलब होगा गेट और क्रिएट, यानी गेट अगर है तो, और नहीं तो क्रिएट करना पड़ेगा। ये दोनों स्थिति में अपना काम होगा, यानी कि होगा तो भी काम करेगा, नहीं होगा तो भी काम करेगा। अब ये है मसला यहाँ पे कि आगे का क्या स्थिति है। तो आगे का स्थिति बस इतना सा है कि हम लोग ऑर्डर का डेटा चेक किया, क्या ऑर्डर टेबल में इस यूज़र का कोई ऑर्डर है, अगर पहले से है इफ़ एग्जिस्ट तो ये काम करेगा, और नहीं है तो ये बनेगा। बनेगा मतलब क्या, ऑर्डर डॉट ऑब्जेक्ट डॉट क्रिएट, और हम लोग इस यूज़र का डेटा को फॉल्स में क्रिएट कर देंगे। क्रिएट करने के बाद हम उसके अंदर आइटम को ऐड कर देंगे, ऑर्डर आइटम जो ऊपर बना है। इसके बाद दूसरा स्थिति ये है कि अगर मान लो कि ऑर्डर पहले से है तो उसका पहला डेटा उठाएगा, यानी जीरो इंडेक्स का डेटा उठाएगा, उसके बाद उसके ऑर्डर के अंदर का आइटम चेक करेगा और उसको देखेगा कि क्या उससे डेटा, उस प्रोडक्ट जिसको हम लोग अभी ऐड कर रहे हैं वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा है। अगर वो पहले से एग्जिस्ट कर रहा होगा तो क्वांटिटी बढ़ा देगा और सेव कर देगा, और अगर नहीं कर रहा होगा तो ऐड कर देगा। बस इतना सेकंड से इफ एल्स का खेल है और कुछ नहीं है, आप आराम से इस फंक्शन को देख सकते हैं। अब इस फंक्शन को हम अपने ट्रिगर करने के लिए URL बनाएंगे। तो ये देखिए URL में गए, और URL में बनाने के बाद यहाँ पे एक तो पाथ नया बना लेंगे, और इसका नाम होगा ऐड टू कार्ट। चूँकि पास करें स्लग, तो स्लग का नाम है स्लग, ठीक है। डेटा टाइप पहला लिखा स्लग, दूसरा लिखा स्लग आईडी का नाम, और किसको चलाना है तो ऐड टू कार्ट को चलाना है, ऐड टू कार्ट, यही फंक्शन का नाम है। और इसका नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा पब्लिक डॉट ऐड टू कार्ट, ये राउट का नाम हो गया, ठीक है। नाम तो कुछ भी सपोज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इस ऐड टू कार्ट को कहाँ फीचर्ड करना है, वही बटन के ऊपर जो ऐड टू कार्ट का बटन है जो कल बनाए थे, कहाँ मिलेगा वो, टेम्पलेट के अंदर में, पब्लिक पैनल के अंदर में, ये शो प्रोडक्ट में, जहाँ पे ऐड टू कार्ट वाला फंक्शन लगाए थे, और ये कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज का साइन URL, और यहाँ पे उसका नाम क्या पास करना है, तो प्रोडक्ट का स्लग, प्रोडक्ट डॉट स्लग। ये याद रखना कि पैरामीटर पूरा करना पड़ता है। तो कर्सर रखोगे तो तुमको यहाँ दिखेगा ऐड टू कार्ट स्लैश प्रोडक्ट आई डी का नाम, क्लिक करने पर तुमको पता चलेगा कि ऑर्डर्स आइटम, ये क्या हो गया, इज़ नॉट नल, यानी शॉप के अंदर आइटम्स आईडी इंसर्शन में कहीं गलती हो गया। देखो ऑर्डर क्रिएट करने के टाइम में इस बार देखना पड़ेगा जाके, तो मॉडल में कहीं गलती नलेबल तो छोड़ के नहीं आ गया। देखो यहाँ गलती क्या हो सकता है, ऑर्डर रिक्वायर्ड हो गया, ये आइटम्स क्या हो गया, रिक्वायर्ड हो गया, नलेबल होना चाहिए। तो छोटा सा गलती रह गया यहाँ पे, इसको भी क्लियर करना पड़ेगा। तो
ऑर्डर जो फॉरेन की हो गया ना, तो फॉरेन की में क्या होता है कि हम लोग को यहाँ पे नल और डिफ़ॉल्ट दोनों ट्रू करना पड़ता है। तो जो चीज़ चेंज करना चाह रहे हैं अभी हम, वो ये है कि इसमें नल ट्रू हो जाए, यानी खाली रहे, और ब्लैंक ट्रू हो जाए। ब्लैंक का बी स्मॉल, ब्लैंक ट्रू, गलती एकदम नहीं करना, ये बहुत ध्यान देने वाली बात है। अब वापस से माइग्रेट वाइग्रेट करना पड़ेगा। मेक माइग्रेशन, बता देखो, अल्टर मतलब चेंज फील्ड आइटम ऑन ऑर्डर टेबल, माइग्रेट, कहीं बवाल ना मच जाए। हाँ सब ठीक है। अब उसके बाद ये चीज़ रिफ्रेश, तो उसका मतलब है कि आइटम नहीं भी रहेगा तो ब्लैंक कम से कम दिखाना चाहिए। अब ये ऐड, ओहो, एक और गलती सुनो क्या, ये हम फॉरेन की यूज़ कर रहे हैं तो उसमें ऐड वाला फीचर काम नहीं करता है, तो उसके लिए हम इसको मैनी टू मैनी कर देते हैं। ठीक है, मैनी टू मैनी, ये भी फील्ड है ये वाला। तो मैनी टू मैनी फील्ड में क्या होता है कि नल और ट्रू नहीं भी दोगे तो चलेगा, क्योंकि मैनी टू मैनी में होना या ना होना बराबर है। तो हम फॉरेन की जगह मैनी टू मैनी, ठीक है, और ऑन डिलीट भी नहीं होता इसमें, यानी खाली ऐसे रहेगा। वापस से मेक माइग्रेशन, कोई गलती ना हो, सही है, और माइग्रेट, हाँ बच गया मामला। तो अब ये वाला ऐड वाला फीचर में कोई एरर नहीं आएगा। देखिए ऐड होके यहाँ तक पहुँच गए हम लोग। अब हम लोग कैसे पता करेंगे कि हाँ उस प्रोजेक्ट का आईडी क्या है और कितना है, तो इसको पता लगाने का बेहतरीन तरीका होगा एडमिन पैनल पे चेक कर लेना। तो एडमिन पैनल लॉगिन करेंगे, देखिए ये वाला तो लॉगिन होगा ना, सुपर यूज़र बनाए हम लोग, नहीं बनाए तो पहले सुपर यूज़र बनाना पड़ेगा, नहीं तो काम ही नहीं करेगा। तो क्या लिखेंगे, क्रिएट सुपर यूज़र, और देखिए ये यूज़र CWS rock@gmail.com, पासवर्ड वीक पासवर्ड डाल रहे हैं। हाँ भैया यही रहने दो। वापस से रन सर्वर, और हम सब जानते हैं कि एडमिन में कुछ भी ना दिखेगा जब तक एडमिन में रजिस्टर्ड ना करेंगे। तो अपना मॉडल बुलाओ, फ्रॉम दिस मॉडल इंपोर्ट ऑल, और ये देखो एड डॉट रजिस्टर साइट डॉट रजिस्टर। देखो क्या क्या चीज़, एड्रेस और क्या, प्रोडक्ट कैटेगरी और ऑर्डर, ऑर्डर के बाद ऑर्डर आइटम, कूपन, एड्रेस। तो जितना मॉडल सबको रजिस्टर्ड कर दो, हुआ हुआ दो बार रजिस्टर होगा तो दो बार दिखने लगेगा, वो बोले ऑलरेडी पहले से। चलिए तो हम इसमें लॉगिन करते हैं पासवर्ड आईडी देकर। हो यस, देखो जिस अरेंजमेंट में वहाँ लिखा था उसी अरेंजमेंट में आया। तो हम लोग को ऑर्डर चेक करना, ठीक है, तुम नोटिस करो एक ऑर्डर आया, ऑर्डर वन, ठीक है, क्लिक करो। देखो इसमें ऑर्डर लेने वाला का नाम और इस ऑर्डर फॉल्स है ये टिक नहीं लगा हुआ है। इसके बाद नीचे देखो बाकी सब ऐसे ही रह गया। ऑर्डर आइटम में आओ, यहाँ पे ऑर्डर आइटम ये क्लिनिक प्लस है, और ये देखो क्वांटिटी कितना है, वन है, यानी कि जब हम दोबारा से इस पर क्लिक करके आएंगे, रुको, जब हमने प्रोडक्ट को ये क्लिनिक प्लस का नाम है दोबारा जब ऐड करेंगे तो उसको टू हो जाना चाहिए लॉजिकली। चेक करो, नहीं हुआ, अच्छा लॉगिन तो चेंज हो गया ना, सॉरी अभी तो हम सुपर लॉगिन कर दिया ना, तो उस सुपर लॉगिन वाला के लिए अलग है, ये है सुपर लॉगिन, वन है, इसी को दोबारा क्लिक करते हैं तो ये टू होना चाहिए। ठीक है, अलग अलग लॉगिन हो गया ना, टू हो गया। चलिए प्रोडक्ट चेंज करते हैं, ये प्रोडक्ट को अब ऐड टू कार्ट करेंगे तो यहाँ ऑर्डर आइटम बढ़ जाना चाहिए। जैसे एक क्लिनिक प्लस दिख रहा है तुमको, एक उसका है सादिक C741 वाले का है, और दूसरा वाला CWS वाले का है। तो ऐड टू कार्ट पे क्लिक करेंगे तो फिर देखो ये एक्स्ट्रा बढ़ गया एक तो, और ये CWS है, क्वांटिटी कितना, वन। दोबारा क्लिक करेंगे तो देखो टू, इसका मतलब है मेरा जो लॉजिक है जो हम चाह रहे थे पूरी तरह से कामयाब है। ठीक है, और यहाँ देखो ऑर्डर टू, ऑर्डर वन, ये सब बनते हुए आ रहा है अपने आप। तो हम लोग है ना अब कार्ट का पेज बनाएंगे, और जो डेटा हम लोग ऐड टू कार्ट कर रहे हैं वो डेटा हमको दिखा देना। तो इसके लिए डिज़ाइन करेंगे ऐड टू कार्ट का पेज, यानी कार्ट का पेज। तो इसके लिए हम यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे लिखेंगे cart.html, ठीक है, और इस जगह पे अपना काम करेंगे। एक मिनट,
ऐड टू कार्ट के लिए यहाँ पे हम लोग को कार्ट का पेज बनाना है, और कार्ट का पेज बनाने के लिए हम लोग इस जगह पे कार्ट डॉट एस टी एम एल पेज नाम से बना लिए। इसके बाद हमको एक्सचेंज करना है, ध्यान से एक्सचेंज करना है पब्लिक लेआउट यानी पब्लिक पैनल का जो लेआउट है वो। इसके बाद हम लोग अपना ब्लॉग बनाएंगे और ब्लॉग का नाम है कॉन्टेंट। इसके अलावा हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर नीचे थोड़ा सा आएंगे और यहाँ डिज़ाइन शुरू कर देंगे। अब एस टी एम एल कर लो क्योंकि अब जेंगो का पार्ट का काम नहीं, तो फ्लिक्स फ्लिक्स डैश वन, और इसके नीचे में हम लोग यहाँ पर एक पहले तो फ्लिक्स डैश वन लगाकर फ्लिक्स फ्लिक्स डैश वन लगाकर एक हेडिंग डालेंगे जिसमें लिखा होगा माई कार्ट, ठीक है। और इसका जो एरिया है वो बीजी डैश ऑरेंज कलर का कर देते हैं क्योंकि मेरा थीम कलर यही है। पी एक्स 10% करने के लिए बड़ी ब्रैकेट 10% और पी वाई में 5 10 10 तो डाल ही दे। ये हो गया कार्ड, और उसके बाद ठीक है ना, एक्सप्लोर आवर प्रोडक्ट प्रोडक्ट एंड एड इट्स इन योर कार्ड, ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज हो गया ताकि कार्ड का पेज भी दिखे। तो कार्ड का पेज का सब कुछ तो करना पड़ेगा, डिज़ाइन डिज़ाइन सब कुछ। तो सबसे पहले व्यू में जाएंगे, जैसे ऐड टू कार्ट है इसी तरीके से एक फंक्शन और बनेगा जो कि कार्ड का पेज को दिखाएगा। तो डिफ ये भी लॉगिन रिक्वायर्ड है तो ऐट द रेट लॉगिन रिक्वायर्ड लिख देंगे, यानी बिना लॉगिन के ये पेज पे नहीं आएगा, ठीक है। इसी तरीके से ना यहाँ पर हम लोग लिखेंगे डिफ और उसके बाद लिखेंगे माई कार्ट, इसका नाम माई कार्ट रख लेते हैं, रिक्वेस्ट और यहाँ पर रिटर्न व्यू सॉरी रेंडर, रेंडर के अंदर में रिक्वेस्ट पहला पैरामीटर, दूसरा पैरामीटर में पब्लिक पैनल स्लैश कार्ड डॉट एस टी एम एल, ठीक है। तो इसका मतलब कार्ड का जो पेज है वो रेंडर कम से कम एटलीस्ट होगा, यानी यूआरएल चाहिए बस, यूआरएल गए और यहाँ पर बाकी जैसे लिंक सब बनाए हैं वैसे ही बनाएंगे। तो हम लिखते हैं यहाँ पे स्लैश कार्ड, सिंपल स्लैश कार्ड, आगे स्लैश रहेगा पीछे नहीं, और यहाँ लिखेंगे माई कार्ड चूँकि फंक्शन नाम यही है, और पब्लिक डॉट कार्ड इसका यूआरएल का नाम। हम लोग इसका लिंक कहाँ लगाएंगे, इंक्लूड में पब्लिक हेडर में यहाँ पे कार्ड के लिए एक तो बनाए थे ये वाला, और इसमें यहाँ पे ऐड कर देंगे। तो कर्ली ब्रैकेट परसेंटेज यूआरएल और ये कार्ड का पेज पब्लिक डॉट कार्ड इज इनवैलिड, हाँ क्या बोल रहे हो तुम, नेम कार्ड इट इज़ नॉट इनवैलिड मैन, ये बस सर्वर का इशू हो सकता है, तो बंद करके स्टार्ट कर दो फिर देखो एरर आता है कि नहीं आता, नहीं आया कार्ड पे क्लिक करो और देखो ये पेज हम बना रहे थे। अभी हम तो डिज़ाइन कर ही रहे हैं एक तो अभी सिर्फ दिखाने के लिए। तो कार्ड का पेज में यहाँ पे हम लिखेंगे एक दूसरे के नीचे आना चाहिए, तो ये फ्लिक्स हटा देंगे खाली तो ये एक दूसरे के नीचे आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ से क्लास लगा के टेक्स्ट डैश 3XL और फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, बाकी अपने हाथ में, ठीक है। और जो नीचे वाला लाइन है उसको और छोटा करेंगे, वो तो उतना दिखाना नहीं था, बस ऐसे ही रहेगा टेक्स्ट डैश एक्सेस एक्स्ट्रा स्मॉल, ठीक है। और अपने को थोड़ा मार्जिन टॉप करके थोड़ा सा कर देते, देखो तो ये हो गया आपका कार्ड का डिटेल। तो मतलब एक पट्टी आ गई जिससे हेडिंग हो गया, नीचे हम अपना एरिया बताएंगे। तो इसके लिए ये वाला जगह उसके बाद फ्लिक्स फ्लिक्स और उसके बाद यहाँ पर पहला हो गया डब्ल्यू डैश 9x12, तो ये एरिया बड़ा हो गया। और दूसरा जो एरिया है वो प्राइस ब्रेकिंग का एरिया है, तो 3x12 ठीक है। तो यहाँ पे जो है ना टोटल डिटेल वगैरह जाएगा, बट यहाँ पे प्रोडक्ट का इन्फॉर्मेशन जाएगा। तो इस जगह पे हम लोग थोड़ा सा डिज़ाइन करते हैं एकदम आराम से, देखो तो ये देखने में भी कुछ भी नहीं लग रहा है, ये प्रोडक्ट एरिया है यहाँ पे, और ये H2 में डाल देते हैं प्रोडक्ट एरिया, और ये H2 में डाल देते हैं लिखते हैं प्राइस एरिया, तो पता चलेगा एरिया कौन, देखो वहाँ आ रहा है उधर कोने में। तो इसका ध्यान देना है कि ये यहाँ पे फ्लिक्स कॉल होना चाहिए, फ्लिक्स डैश कॉल एक दूसरे के नीचे, देखो ये प्रोडक्ट एरिया है और ये प्राइस एरिया है, तो पता चल गया कहानी समझ में आ गई। यहाँ पे डेटा दिखाना है, यहाँ पे प्राइस दिखाना है। चलिए इसका डिज़ाइन को पूरा करते हैं। तो डिज़ाइन को पूरा करने का मतलब ये है कि हम लोग फ्लिक्स
यहाँ पे क्या करेंगे, फ्लिक्स फ्लिक्स डैश कॉल, ठीक है, एक दूसरे के नीचे आए इसके लिए, और यहाँ पर फ्लिक्स डैश वन पूरा फुल विड्थ चाहिए उसके लिए, डब्ल्यू डैश 3x12 इमेज के लिए, यहाँ इमेज आ जाएगा। तो हम लोग अभी डमी इमेज यूज़ कर लेते हैं, बाद में हटा के चेंज कर देंगे, लूप चला देंगे। पिक्सम डॉट फोटोज स्लैश 100x100 क्लास डब्ल्यू डैश फुल, ठीक है। तो ये वाला एरिया से बाहर निकल जाएंगे, इस डिप को बनाएंगे 9x12, ये सब टेलविन का पार्ट है, इसमें कुछ नया नहीं है। और यहाँ H2 जो प्रोडक्ट टाइटल होगा यहाँ दिखाएंगे, प्रोडक्ट टाइटल के जस्ट नीचे हम लोग प्रोडक्ट का कैटेगरी दिखा सकते हैं, या उसका कोई स्पेसिफिकेशन है तो वो दिखा सकते हैं। तो कैटेगरी और उसके जस्ट नीचे यहाँ पर प्राइस दिखाना है, ठीक है। तो प्राइस दिखाने के लिए हम लोग यहाँ पे फ्लिक्स का यूज़ करते हैं, ताकि दो प्राइस है ना इसलिए। तो हम लोग पहला प्राइस यहाँ दिखाएंगे, मान लो RS 400 रुपया, और तो दूसरा वाला जो प्राइस होगा डेल टैग के अंदर डाल देंगे, मान लो 300 रुपया। एकदम ही बना रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं, देखो एक दूसरे के नीचे आ गया, जबकि एक दूसरे के बगल में आना चाहिए था, वजह यहाँ पे फ्लिक्स ना होना। अच्छे से स्ट्रक्चराइज कर दो, 100x100 बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो 50x50 इमेज का साइज़ सही होना चाहिए। आप बोलेंगे यहाँ पे इमेज का साइज़ चौड़ा क्यों आ रहा है, इसकी वजह यह है कि फ्लिक्स कॉल लगा हुआ है और यहाँ पे फ्लिक्स वन लगा हुआ है, इसका मतलब हो गया पूरा एरिया तुम ही ले जाओ। तो देखो आप जब डेटा डालेंगे ज़्यादा तो ठीक हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं। तो ये प्रोडक्ट का टाइटल, इसका कैटेगरी वगैरह सब बताएंगे, यहाँ पे थोड़ा सा गैप 5 डाल देंगे, तो ये थोड़ा अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। और ये जो एरिया है इसमें पैडिंग लगा देंगे, ताकि ये 5 पैडिंग लगाए, चारों तरफ से अलग हो जाए, चारों तरफ से अलग हो जाए, देखो अलग हो गया। अब ये प्रोडक्ट का एरिया है, यहाँ पे दिखाना है, और जो बैकग्राउंड पट्टी है सबका अलग अलग होगा, बीजी डैश लेडी डैश 100, तो वो एक ग्रे कलर का पट्टी दिखा रहा है तुमको एरिया में, ठीक है। और जो इमेज है डब्ल्यू डैश फुल लगा हुआ है, क्योंकि 3 लिखा हुआ है, अब इसको 1 लिख देंगे और इसको 11 कर देंगे, तो वो डब्बा इमेज का छोटा हो जाएगा। देखो पट्टी एकदम पतली सी आ गई, अब तुम चाहो तो यहाँ से पेडिंग दे सकते हो, ठीक है। अब ये पेडिंग यहाँ से P-3 या 2, इससे ज़्यादा नहीं, देखो ठीक है। तो प्रोडक्ट दिखाना, प्रोडक्ट यहाँ इमेज टाइटल छोड़ो, प्रोडक्ट कैटेगरी यहाँ नहीं दिखाएंगे, हमको यहाँ पे प्लस और माइनस करने का बटन चाहिए, तो फ्लिक्स और यहाँ पर हम लोग बटन बनाएंगे, तो बटन A टैग से बनाएंगे, क्लास नेम BG-Red-600 text-white PX3 PY2 PY2, और दोनों P2 है तो फिर PX3 PY2 PX3, और उसके बाद text-XL, और ये माइनस लिखा होगा, एक में प्लस लिखा होगा, उसका कलर जो होगा वो ग्रीन कर देंगे। अब बीच में एक स्पैन होगा इसी जैसा, तो उसको A टैग नहीं स्पैन में दिखाएंगे, देखो ऐसे, और ये जो A टैग है, और यहाँ पे मान लो कोई क्वांटिटी है, ये देखो ऐसा दिखेगा। अभी जो बैकग्राउंड कलर रेड लगा हुआ है ये हटा देंगे, और वाइट कलर टेक्स्ट हटा देंगे, खाली पैडिंग रहेगा, तो डिज़ाइन ऐसा दिखेगा, ठीक है। एक प्लस करने का, एक माइनस करने का, ऐसा दो बटन हो गया, और ये दोनों बटन को थोड़ा राउंडिंग कर देंगे, तो लिखेंगे राउंडेड डैश फुल, पूरा सर्कल चाहिए तो ऐसा, ठीक है। तो इसमें PY कम हो जाएगा और PX और ज़्यादा हो जाएगा, नहीं तो ये देखने में अच्छा नहीं लगेगा, ठीक है। और क्योंकि फ्लिक्स लगा दोगे तो आइटम सेंटर भी कर सकते हो, देखो थोड़ा सेंटर करने के चक्कर में ठीक है चलेगा। तो XL की जगह 2XL, थोड़ा अपने हिसाब से सोच सकते हो। और ये दो बटन है, इसका साइज़ जो बड़ा है छोटा ये करना है ये अलग बात है। तो एरिया अपना जो यहाँ से निकला है फ्लिक्स से, उसको तुम मार्जिन टॉप थोड़ा गैप दे सकते हो, और इमेज अगर साइज़ में बढ़ाना है तो फिर तुम सोच सकते हो ये बात कि टेक्स्ट छोटा करना पड़ेगा, यानी 2XL जो लिखा हुआ है उसको XL कर दो और LG कर दो, और पेडिंग को भी थोड़ा छोटा करो, यानी 4 की जगह 2, इस जगह पे Y में कुछ लिखेंगे नहीं,
जा उल्टा हो गया, पी एक्स टू पी वाई वाई, स्ट्रेचिंग हो रहा है ठीक है। थ्री मैच कराने की कोशिश करते हैं, फाइव फोर, वही पे ठीक है रहने, और आइटम सेंटर भी जरूर लगाएंगे। चलो चलते हैं ठीक है। फॉन्ट जाए सेमी बोल्ड, तुम्हारे हाथ में वो डिज़ाइन उतना मैटर नहीं करता है। अब इमेज का साइज थोड़ा सा बढ़ाने के लिए इसको 1 की जगह 2 कर देते हैं और इसको 11 की जगह 10, तो इमेज का साइज थोड़ा थोड़ा बहुत बढ़िया शायद नहीं कर सकते, एक ये रखना ही पड़ेगा ठीक है। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा तो हम इसको बगल में लेते आएंगे, लेकिन चलो ठीक है, डिज़ाइन उतना मैटर नहीं करता अभी मेरे लिए। बट हाँ, प्रोडक्ट को कॉल करना बहुत ज़रूरी है। तो प्रोडक्ट आएगा कैसे इसमें, तो इसको पास करेगा कौन, व्यू डॉट पाई। अब मेरा माई कार्ट नाम से प्रोडक्ट है, डाटा इज इक्वल टू ब्लैंक डाल दो, डाटा जिसमें ऑर्डर पास करना, ऑर्डर ठीक है, ऑर्डर मॉडल डॉट ऑब्जेक्ट डॉट फिल्टर, एक्चुअल में हम लोग फिल्टर ना करके गेट करना, एक ही डेटा चाहिए ना। यूज़र जो है लॉगिन किया हुआ यूज़र हो, और ऑर्डर जो हो फॉल्स हो, बस बहुत इंपॉर्टेंट बात। डाटा पास हो गया, यानी ऑर्डर नाम का वेरिएबल वहाँ एक्सेसिबल होगा, तो हम लोग उस ऑर्डर से फिर डेटा को कॉल करेंगे अपना, उसके अंदर का चाइल्ड डेटा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, ये बहुत कंसेप्चुअल पार्ट है, इसको देख लो एक मिनट। तो कंसेप्ट ये है कि हम लोग इसको यहाँ पर पास तो कर दिए, इस पेज में आ तो गया, लेकिन जैसे माई ऑर्डर ऊपर में सेक्शन बनाए थे हम लोग, देखो ये सेक्शन बनाया है, तो यहाँ पे हम लोग डेटा को गिनती करके बताएंगे ना कितना है। तो कैसे बताएंगे, दो बार कर्ली ब्रैकेट, ऑर्डर पास हुआ है, उसके बाद उसके अंदर आइटम्स है उसको गिनती करेंगे काउंट, तो ऐसे करेंगे तो हम लोग को गिनती मिल जाएगा। कितना डेटा है, दो है अंदर में, अभी लूप नहीं चला है, तो डायनेमिक हो गया ये डेटा। इसके जस्ट नीचे आ जाएंगे और यहाँ पर हम लोग इफ एल्स का कंसेप्ट लगाएंगे, तो ये पूरा का पूरा एरिया मतलब फ्लिक्स का पूरा एरिया कंडीशन में डाल देंगे। इफ ऑर्डर, अगर ऑर्डर है तो ठीक है, तो इससे क्या फ़ायदा होगा कि अगर ऑर्डर नहीं है तो ये वाला एरिया नहीं आएगा, एल्स में जाएंगे नॉट नॉट ए 500 ऐसे करके कुछ मैसेज डाल सकते हैं। दूसरा ये कि उसको लूप कैसे चलाएंगे, तो देखो लूप चलेगा कहाँ से कहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, देखो ये वाला एरिया लूप चलेगा, तो हम इस एरिया को लूप में लेंगे, फोर लूप, ये फोर लूप, और इसमें लिखेंगे ऑर्डर डॉट या ऑर्डर आइटम, ऑर्डर अंडरस्कोर आइटम इन ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट ऑल, ठीक है ऐसे लगाएंगे, तो ये आइटम्स उसके अंदर का डेटा है, और ये लूप चलेगा दो बार, देखो दो बार डेटा को कॉल कर रहा है ना, ये यहाँ पे गड़बड़ हो गया। क्या गड़बड़ होगा, सिंटेक्स शुड बी फोर एक्स इन, अच्छा कुछ सिंटेक्स में गड़बड़ ही हो गया। ऑर्डर आइटम ये कोई वेरिएबल सपोज किया है और इन लगाया है, और ये ऑर्डर डॉट आइटम्स डॉट ऑल, अच्छा एक बार फिर से एन आ गया, ये देखो दो बार आ गया, मतलब हाँ काम कर गया। इसमें स्पेस डाल देते हैं या हम गैप लिख देते हैं, गैप आपस में दोनों अलग अलग हो जाता है, पाँच का गैप दे रहे थे तो पाँच ही देते। हाँ ये हो गया लूप, अब यहाँ पे आएगा मज़ेदार काम, जल्दी जल्दी देखो, अब और एकदम सिस्टम में आ गया सब कुछ। ऑर्डर आइटम डॉट इमेज, डॉट इमेज नहीं, डॉट आइटम डॉट इमेज डॉट यूआरएल। अब क्या हुआ, ऑर्डर आइटम टेबल से हमको इमेज तक जाना है, तो देखो हम कैसे कंसेप्ट लिया है, हम ऑर्डर में थे, लूप चल रहा ऑर्डर का, हम ऑर्डर आइटम में आए, ये ऑर्डर आइटम है, उसके अंदर आइटम में आए, आइटम मतलब प्रोडक्ट में आए, अब प्रोडक्ट के अंदर में इमेज, इमेज के अंदर यूआरएल, आउटपुट देखें आ गया। अब प्रोजेक्ट टाइटल जहां दिखाना है वहां पे टाइटल दिखा देंगे, बस वही ऑर्डर डॉट आइटम डॉट टाइटल, अरे आइटम ऑर्डर आइटम सॉरी ऑर्डर आइटम डॉट आ गया, बोल्ड बोल्ड चाहिए इसको, अजीब सा दिख रहा है,
टू एक्सएल फॉन्ट डैश सेमी बोल्ड, अलग दिखना चाहिए ना, बहुत बड़ा हो गया। एक्सेल ठीक है, चलेगा। ठीक है, इसके नीचे जो प्राइस दिखा रहे हैं उसमें देखो, तो हम लोग के पास पहले से ही फंक्शन बना हुआ है, बस हम लोग को यूज़ करना है। तो ऑर्डर आइटम डॉट आइटम डॉट गेट डिस्काउंट प्राइस, याद है, एकदम परफेक्टली ये काम करेगा। ओह छोटी ब्रैकेट छूट रहा है, फंक्शन है ना। ओह देखो आगे, अब इसमें बीच में गैप चाहिए वो आप दीजिए, इसका क्लास लीजिए, टेक्स्ट डैश एक्सेस डालिए और टेक्स्ट डैश ग्रे कलर डालिए, वो भी एकदम डिम कलर, और यहाँ पे प्राइस दिखाइए। तो उसके लिए हम लोग लगाएंगे ऑर्डर आइटम डॉट गेट प्राइस, देखो छोटा सा आया। और इसका जो साइज़ है उसको भी आप इन्हेंस कर सकते हैं, गैप वगैरह क्रिएट कर सकते हैं, मार्जिन वाई टू टेक्स डैश टू एक्सएल, वो आप जितना बड़ा करना चाहे कर सकते हैं अपने अनुसार। ठीक है, कोई इशू नहीं है इसमें, तो उस पर डिज़ाइन पर मैटर नहीं है। अब जो क्वांटिटी अवेलेबल है वो 5 की जगह दिखेगा, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे ऑर्डर आइटम डॉट क्वांटिटी, क्योंकि ऑर्डर आइटम टेबल में ही क्वांटिटी है। तो देखिए एक दोनों का दो दो है, और जो प्लस का साइन देख रहे हैं आप, इसमें आपको यहाँ पर URL को ऐड कर देना है। किस URL को? ऐड टू कार्ट वाला को। तो पब्लिक डॉट ऐड टू कार्ट, ऐसे ही है, ऐसे कोई और नाम है देख लो एक बार, देखो ऐड टू कार्ट, हाँ सही है, एकदम सही लिख रहे हैं कार्ट। और ध्यान रखना इसमें स्लग पास करना है, तो स्लग कैसे मिलेगा? ऑर्डर आइटम, ठीक है, डॉट आइटम्स डॉट स्लग, एकदम सही से डेटा उठा लो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। पब्लिक डॉट ऐड टू कार्ट, ऑर्डर आइटम डॉट आइटम डॉट कार्ट, यू आर कैसे गलत हो गया, क्या बात कर रहे हो, आइटम्स नहीं आइटम, ये एस लग गया इसलिए ऐसा। देखो अभी दो की जगह प्लस करेंगे ना, ये होम पेज पे आ रहा है। अब हम लोग को ऐड टू कार्ट के फंक्शन में जाना है, वहाँ पे जो हम लोग रीडायरेक्ट होम पेज पे कर रहे थे उसको हम लोग को कार्ट पेज में करना है, तो माई कार्ट में करना है, इसलिए हम लिखेंगे या पब्लिक डॉट ऐड टू कार्ट, वो ये राउट का नाम वो भी लिख सकते हो। वापस से देखो, इसमें गए ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, ओहो ओहो ऐड टू कार्ट, फंक्शन का नाम माई कार्ट, ऐसे पीछे बैक आओ, रिफ्रेश करो पेज को, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करो, माई कार्ट में, ओ माई कार्ट नाम नहीं है, फंक्शन नाम लिखने के लिए शायद माई कार्ट ऐसे लिख सकते हो, डबल कोट में नहीं लिखना। वापस देखो, एकदम सही, देखो कितना क्वांटिटी हुआ, ये देखो इंक्रीज हो रहा है, ये देखो तो क्वांटिटी एक्टिव हो गया, नाम से काम कर रहा है। अब चलो क्वांटिटी को डिक्रीज़ यानी कि माइनस करने का भी काम कर रहे थे, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, अपने वेब व्यू में जाएंगे, मतलब व्यू डॉट पाई में, और वहाँ जाने के बाद अपना लॉजिक लिख के आ जाएंगे, जो कि रिमूव फ्रॉम कार्ट का लॉजिक होगा। तो यहाँ पर जैसे ऐड टू कार्ट यहाँ पर बनाए हैं, वैसे ही हम लोग एक और लॉगिन रिक्वायर्ड है उसमें भी लॉगिन रिक्वायर्ड डाल देंगे, और उसके बाद लिखेंगे रिमूव फ्रॉम कार्ट, वो भी स्लग उलग लेगा, वो भी प्रोडक्ट को बुलाएगा, वो भी डेटा को लेगा, और अगर आइटम है तो डिलीट मार देना। ठीक है, तो रिमूव फ्रॉम कार्ट और डिक्रीमेंट फ्रॉम कार्ट अलग अलग है। रिमूव फ्रॉम कार्ट मतलब एक बटन देंगे जिस पर क्लिक करने से कार्ट से हटा देना, तो हम लोग इस बटन को बनाएंगे, पहले तो इसका राउट बना लेते हैं। ये तो बन गया पूरा लॉजिक, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से ऑर्डर आइटम के साथ मैच करना चाहिए और उसके बाद वो प्रोडक्ट को डिलीट, हाँ ठीक है। तो ये URL और यहाँ पर ऐड टू कार्ट की तरह रिमूव फ्रॉम कार्ट स्लग, ठीक है, यहाँ पे फंक्शन का नाम जो चलेगा रिमूव फ्रॉम कार्ट, और इसका नाम पब्लिक में रिमूव अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कार्ट, ठीक है। तो ये जो राउट का नाम है इसको हम लोग एक बटन बना के क्लिक करेबल बना देंगे। अब देखो इसको कैसे बनाना है, कार्ट के पेज में जहाँ पे हम लोग ये सब काम किए हैं 11, 12, ठीक है, इसी में हम 10 कर देंगे इसको, तो एक और डब्बा बना सकते हैं, राइट। तो हम लोग इसका नाम W-1/12 अगेन, तो एक ये हो गया,
10 ये हो गया और एक ये हो गया, 12 हो गया टोटल। तो इस बटन का नाम यहाँ पे डाल देना। तो बटन बनाने के लिए ए टैग, क्लास नेम, और इसके ऊपर में लिखा होगा रिमूव, और इस क्लास नेम का नाम टेक्स्ट डैश रेट डैश 500। अब तुम देखो इस बटन को कहाँ दिखाया जा रहा है, लॉग इन रिक्वायर्ड में कोई गलती कर गया है क्या, या फिर सिर्फ सर्वर एरर है। देखो चेक कर लेते हैं, एट द रेट नहीं कोई गलती तो नहीं है। देखो रिमूव यहाँ आ रहा है, ये रिमूव हमको चाहिए एक्चुअल में उधर। ये गड़बड़ कैसे हो गया, ये 10 के बाद है तो इसको तो 10 के बाद आना चाहिए था क्लास। अच्छा यहाँ डब्ल्यू डैश ने छूट लिखा है, नहीं भूल गया। देखो यहाँ आ गया। तो रिमूव फ्रॉम कार्ट के लिए हम एक छोटा सा बटन यूज़ करेंगे, आइकन यूज़ करेंगे, डस्टबिन वाला आइकन। तो यहाँ लिखेंगे ट्रैश। देखो इसका स्टॉक पतला कर देते हैं ऐसा, कॉपी, और ये जो रिमूव लिखा हुआ है इसके जगह पे ये आइकन, ठीक है। और ये टेक्स्ट डैश ग्रे लिखा हुआ है इसके जगह रेड कर देंगे, लाल रंग का हो जाएगा। तुम इसको देख सकते हो आइकन को कैसा दिख रहा है, दिख रहा है। और इसका जो अलाइनमेंट होगा, सेल्फ अलाइनमेंट, वो होगा यहाँ लिखेंगे सेल्फ डैश इंड, मतलब आखिरी में। अगर ऐसा नहीं मानता है तो आपको लिखना होगा टेक्स्ट राइट, इससे भी नहीं मानता है तो आपको करना होगा यहाँ पे फ्लिक्स, और लिखेंगे यहाँ पे जस्टिफाई इंड। हो गया, ये कोने में चला गया और हमको कोने में ही चाहिए था। और ये लिंक हम ऐड कर देते हैं रिमूव करने वाला यूआरएल, और ये देखो सॉरी पब्लिक डॉट रिमूव अंडरस्कोर फ्रॉम अंडरस्कोर कार्ट। ध्यान रखना इसमें प्रोडक्ट का स्लग है, तो ऑर्डर आइटम डॉट आइटम डॉट स्लग ये पास होगा, नहीं तो पता कैसे लगेगा कि इसको डिलीट मारना। अब तुम देखो प्रोडक्ट को रिमूव कर सकते हैं, यानी गेट और नन, ये ऑब्जेक्ट मैनेजर गलत है, यानी तुमको जाना पड़ेगा यहाँ व्यू में, प्रोडक्ट टेबल से प्रोडक्ट को लिया, स्लग से स्लग को लिया, और गेट और नन। अच्छा 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 गेट और नन, ये वाला फंक्शन में सिर्फ गेट लगा। चलो वापस देखो रिमूव हो गया, इसको देखो रिमूव हो गया। तो इसका मतलब है कोई भी आइटम को हम लोग आराम से रिमूव कर सकते हैं। ऐड हो गया वापस से। तो ये डिक्रीमेंट बनाना है अब हमको, ठीक है, यानी कि इन जैसे ऐड टू कार्ट है वैसे डिक्रीज टू कार्ट होगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसको बनाएंगे इसी लॉजिक पे, यानी सेम इसी लॉजिक पे। तो हम इसको कॉपी पेस्ट करने जा रहे हैं, ऐसे देखो कॉपी किया और जस्ट उसके नीचे यहाँ पे पेस्ट कर दिया। सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस टू कार्ट लिख देते हैं, यानी कम करना क्वांटिटी को। तो ये सब कुछ ठीक है, ऑब्जेक्ट नहीं है, ऑब्जेक्ट नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, गेट लगा दो खाली, और ये क्रिएटेड वाला वेरिएबल हटा दो। तो ये अब मैच करेगा, फिर क्वेरी में उसको चेक करेगा, और अगर ऑर्डर एग्जिस्ट होगा तो ये ऑर्डर एग्जिस्ट ना होगा एल्स वाला काम ही नहीं हो सकता, और ये जो एल्स वाला काम है ये भी नहीं होगा, यानी ऑर्डर एग्जिस्ट होगा तो माइनस कर दो। एक और लॉजिक यहाँ पे ये है कि अगर अगर ऑर्डर का जो क्वांटिटी आप डिलीट मार रहे हैं ऑर्डर आइटम डॉट क्यू टी वाई, अगर एक से ज़्यादा है तभी माइनस हो, ऐसा नहीं कि नेगेटिव वैल्यू चला जाए। अगर ऐसा स्थिति आ जाए कि एक से कम में कोई जा रहा है तो डिलीट मार दो। तो अपने पास रिमूव फ्रॉम कार्ट जो फंक्शन है वो यूज़ कर सकते हो। रिमूव फ्रॉम कार्ट फंक्शन है, वो इसका काम क्या है, एक तो रिक्वेस्ट लेता है और दूसरा क्या लेता है, स्लग। तो तुम क्या कर सकते हो, ये वाला फंक्शन को एक्टिव करा सकते हो कब, जब एक से कम में कोई माइनस करेगा। तो हम लोग लॉजिकली है ना एक अचीव कर लिया एक डेटा, ठीक है, हर स्थिति में माई कार्ट में रिटर्न होगा। तो इसका नाम हो गया माइनस टू कार्ट, माइनस स्पेलिंग गलत हो रहा है, ठीक है, माइनस टू कार्ट। तो ये माइनस टू कार्ट का क्या करना है, यूआरएल बना देना है यहाँ, और ये लिखेंगे माइनस टू कार्ट, और कुछ नहीं करना है, यहाँ पे माइनस वाला फंक्शन बुला देना है माइनस टू कार्ट, और यहाँ पे ऐड की जगह माइनस, ठीक है। इसको किस जगह पे ट्रिगर करना है, माइनस बटन पे। तो ये राउट उठा देते हैं और देखो यहाँ पे कार्ट में गए और ये जो माइनस बटन बनाए थे हम वो ये है, इसके जगह पे यूआरएल डाल देते हैं, यूआरएल
ऑर्डर आइटम डॉट आइटम डॉट स्लग, वही सेव लग ही जाएगा। देखो माइनस काम कर रहा है कि नहीं, दो एक और इससे कम हुआ तो डिलीट, फीचर खत्म। तो हम लोगों ने पूरा ऐड टू कार्ट पे फीचर कर लिया। अब क्या है कि जो भी प्रोडक्ट हम ऐड कर रहे हैं उसका एक प्राइस है, वो प्राइस जो है क्वांटिटी के साथ इनटू करके दिखा, क्वांटिटी के साथ गुना होकर दिखा, तभी तो पता चलेगा 3100 रुपये थोड़ी हुआ दो पीस का, तो इसको कैसे दिखाएंगे। तो कैसे, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। जब हम लोग मॉडल बना रहे थे या मॉडल बन रहा है तो उसमें ऑर्डर आइटम जो, ऑर्डर आइटम जो यहाँ पे डेटा है इसके साथ हम लोग काम कर सकते हैं। डिफ और लिखेंगे गेट डिस्काउंट, गेट डिस्काउंट टोटल प्राइस, ठीक है। और इसमें सेल्फ पास कर देंगे। इसमें क्या क्या करना है, कुछ नहीं करना है, अपना आइटम का जो डिस्काउंट प्राइस है उसको क्वांटिटी के साथ गुना कर देना है, ठीक है। और अगर डिस्काउंट प्राइस, एक मिनट, ये इसको बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव तरीका। तो देखो सेल्फ डॉट आइटम डॉट आइटम से मतलब प्रोडक्ट पे चला गया, डिस्काउंट प्राइस निकाला और उसको किससे गुना कर दिया, क्वांटिटी से। तो इस फंक्शन को यूज़ करेंगे तो काम हो जाएगा। दिखा देते हैं वो भी आपको यहाँ पे, जहाँ पे आप अपना गेट ये वाला प्राइस दिखा रहे हो, गेट डिस्काउंटेड प्राइस, वहाँ पे आपको लिखना है ऑर्डर आइटम, क्योंकि आप ऑर्डर आइटम से किए हो तो ऑर्डर आइटम। तो देखो अब जैसे प्लस करेंगे तो ये चेंज, ये चेंज, अब ये चेंज हो रहा है तो ये भी चेंज होना चाहिए। तो इसको चेंज करने के लिए भी आपके पास एक और फंक्शन होना चाहिए मॉडल में अपने, एकदम सेम ऐसे ही, ज़्यादा मेहनत नहीं है। तो गेट टोटल प्राइस, उसमें डिस्काउंट नहीं आएगा खाली, और ये आइटम के प्राइस के साथ जुड़ जाएगा। दैट्स इट, आप इसको यहाँ दिखा देंगे। देखो 4500 का एक था MRP में, कितना हुआ 9000 गुना 2 18000, ठीक है। देखो कम हो रहा है तो दोनों साथ में कम हो रहा है, बढ़ रहा है तो दोनों साथ में बढ़ रहा है, यानी कि प्राइस जो एग्जैक्ट वो दिखाया जा रहा है। अब इसमें सेविंग अमाउंट दिखाओ कि कितना सेव कर रहा है, कितना परसेंट इसको फ़ायदा हुआ है, तो वो परसेंटेज वैल्यू बता सकते हो या सेविंग अमाउंट बता सकते हो माइनस करके आराम से। तो माइनस कैसे होगा, ये यहाँ पे ही होगा, मॉडल में ही हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे डिफ गेट सेविंग अमाउंट, कितना सेव कर रहा है ये परसेंट इसको बताओ। तो ये सेविंग कैसे निकालेगा, सिंपली ये अपने ये यहाँ पे लिखेगा सेल्फ डॉट, देखो सेल्फ डॉट, ज़रूरी नहीं कि जो चीज़ आ रहा है सब सही है, टोटल प्राइस से गेट टोटल प्राइस जो ऊपर बनाए हैं उसको माइनस कर देंगे डिस्काउंट प्राइस से, सेल्फ डिस्काउंट टोटल प्राइस से। ये देखो तो ये जो मैथमेटिक का इक्वेशन है निकाला और टोटल कितना सेव हो रहा है ये बता देगा। तो बस पहुंच गए कार्ट में बताने के लिए कि तुमने कितना पैसा बचाया है, बचाया तो वो नहीं है कुछ भी, लेकिन हाँ बता देने में क्या जाता है। स्पैन यूज़ करो, क्लास इसको ग्रीन कर दो, अच्छी बात है ने बचाया तो इसलिए ग्रीन कर देते हैं और थोड़ा सा सेमी बोल्ड कर देते हैं। और उसके बाद टोटल सेविंग ऐसे लिखें, टोटल सेविंग और जो सेविंग अमाउंट है वो ऐसे दिखा दो, कैसे, ऑर्डर आइटम डॉट गेट टोटल सेव। तो देखो नो एट्रीब्यूट डी कहाँ पे आ गई, गेट सेविंग अमाउंट, कुछ तो गड़बड़ तो नहीं किए हम, एक बार यहाँ मॉडल में चेक करेंगे। यहाँ पे ऐसे कर रहे थे, छोटी ब्रैकेट शायद लगाना पड़ता है और उसमें भी सेल्फ पास करना पड़ता है तभी तो काम करेगा। आर्गुमेंट दो है, ये क्या बात है, गेट टोटल प्राइस में दो कैसे होंगे, कोई बात नहीं एक बार और देख लेते हैं क्या मैटर है, सिर्फ छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, नहीं होगा तो क्वांटिटी से गुना तो कर ही लेंगे। देखो हो गया, कितना रुपये बचाया आप, चलिए एक प्रोडक्ट से समझते हैं, एक प्रोडक्ट का कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। 3100 का सामान आप खरीदा, 4500 का सामान कितना बचाया, 1400, ठीक है। आगे में जो आपको लगाना है रुपी का सिंबल वो भी आप लगा सकते हैं, वैसे ही जैसे आपने यहाँ लगवाया था हमसे, एकदम वैसे ही, ठीक है। तो आप यहाँ पे भी लगा दीजिए, ये सेविंग में दिखा दीजिए, बस हो गया। देखिए तो आगे रुपी का
सिंबल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अच्छा वो स्ट्रिंग का मैटर है, परसेंटेज कैलकुलेशन ना हो रहा है, कैलकुलेशन हो के तब यहाँ दिखाए। तो ठीक है, इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक टोटल वेरिएबल रख लेंगे शॉर्ट हैंड में और टोटल को यहाँ डाल देंगे। क्या समझे बात, लोकल वेरिएबल तब हो जाएगा। हाँ देखिए 1400 आ गया। तो इसका डिज़ाइन सही कर लेते हैं खाली और कुछ नहीं। तो सेविंग अमाउंट जो दिख रहा है वो बगल में दिख रहा है, तो फ्लिक्स डैश कॉल लिख देंगे तो बगल में नहीं दिखेगा, लेकिन कॉल लिखने से तो H1। हाँ ठीक है, टोटल सेविंग लेकिन हम चाहते हैं बगल में दिखे। आइटम सेंटर कर देते हैं, अलाइनमेंट सही हो जाएगा, लेकिन अलाइनमेंट को थोड़ा दूर करना पड़ेगा। कैप ठीक है, और जो ये वाला पार्ट है ना, इसको हम लोग टेक्स्ट डैश एक्सेस कर देंगे। दिखना चाहिए छोटा, दिखना चाहिए, इतना बड़ा दिखाने की जरूरत नहीं। ठीक है, लेकिन डिव में ऐसा क्या किया जो वो इतना छोटा दिख रहा है, वो H2 के अंदर, इसलिए चलो इसको H2 के अंदर डाल देंगे। देखें स्पैन को, तब बराबर अलाइन हो जाएगा। हाँ देखिए हो गया ना, तो टोटल सेविंग आपको यहाँ दिख रहा है। ठीक है, आप जैसे ये बढ़ाएंगे तो सेविंग अमाउंट भी बढ़ता रहेगा। ठीक है, परसेंटेज वैल्यू भी निकाल सकते हो, कैलकुलेशन का बात है। ठीक है, ये रिमूव वाला काम हो चुका है और हम लोग प्रोडक्ट, मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं कार्ट में। यहाँ पे इस पर क्लिक किया, ऐड टू कार्ट, परफेक्ट। अब देखो क्या है कि इसका टोटल अमाउंट और इसका टोटल अमाउंट दोनों जोड़ के यहाँ दिखाएं ना अपना टोटल अमाउंट, फिर डिस्काउंट अमाउंट, कूपन अमाउंट, बाकी चीज़ें, तो आराम से कर सकते हैं। क्या इसको यहीं पे छोड़ा जा सकता है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।